स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स की एक नई ट्रिक सीखेंगे। आप सब ने कैलकुलेटर देखा होगा। आप अपने कैलकुलेटर पे जाइए और कैलकुलेटर पे जो आपका डिजिट पैड है, उस पैड में आप रेक्टेंगुलर शेप में डिजिट को प्रेस कीजिए। बट ये ध्यान रहना चाहिए कि वो आपके वर्टिसेस हों, जैसे 7, 9, 6, 4। अगर मैंने ये नंबर लिया, अब मैं इस नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा, तो ये 11 के साथ परफेक्टली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब मैं इसी तरह से कोई और नंबर लूंगा, बट वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए और वर्टिसेस पॉइंट होने चाहिए उसके, और आप उसको डायरेक्शन वाइज लेंगे, या तो क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, जैसे 5, 6, 3, 2। इसको फिर से क्या कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए, तो ये भी परफेक्टली 11 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, सपोज़ कीजिए, अब मैंने नंबर लिया 1, 2, 5, 4, एंटी क्लॉक वाइज लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 11 के साथ डिवाइड करता हूँ, तो ये भी परफेक्टली 11 के साथ डिवाइड हो रहा है। अब मैं इसके साथ कोई और नंबर लूँगा, जैसे मैंने मान लीजिए ये सारे कॉर्नर पॉइंट ले लिए, 1, 3, 9, 7। अब मैं इसको 11 के साथ क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, और ये परफेक्टली 11 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आप कितने भी नंबर लीजिए, ये सारे 11 से डिविजिबल होंगे। अब ऐसा क्यों होता है, अब हम इसको देखेंगे मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकली ऐसा है। तो चेक कीजिएगा कि जो हमारे पास इसमें फॉर्मेशन है, मैं सबसे पहले आपका जो कैलकुलेटर का पैड है उसको बना रहा हूँ यहाँ पे। तो कैलकुलेटर का पैड जो हमारे पास है वो इस तरह से आपके पास होता है। आप इसमें से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सपोज़ कीजिए हमने इस नंबर को एंटी क्लॉकवाइज क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारे पास जो बन गया, ये हो गया 6, 5, 2 एंड 3। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को ए, इसको बी, इस डिजिट को सी, और इसको क्या सपोज़ कर लेता हूँ, डी सपोज़ कर लेता हूँ। अब मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा हर बार क्यों होता है। तो आप देखिएगा कि आपका ये जो नंबर है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए टाइम्स 10^3, बी टाइम्स 10^2, सी टाइम 10+D। अगर आप इस नंबर को लिखना चाहें तो ये नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा, ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। और अगर आप चेक कीजिएगा कि जब आप इन नंबर्स को बनाएंगे, तो इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली और मॉडिफाई करते हैं। लाइक इसको मैं लिख रहा हूं ए इंटू दिस वन, बी 10^-1, फिर मैं नेक्स्ट क्या लिख रहा हूं, सी 10+1, और लास्ट में मैंने जो लिखा, ये आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा, ठीक। तो ये आपके पास क्या है, बिल्कुल इसी नंबर को रीराइट किया गया है। क्यों किया गया है, अभी आप देखिएगा। हम सब जानते हैं मैथमेटिक्स में एक हमारे पास फार्मूला रहता है, a³ + b³, जिसकी अगर हम फैक्टर बनाएं तो वो फैक्टर आते हैं a+b and a²+b²-ab। चेक कीजिएगा, मैंने इसके फैक्टर क्रिएट किए, तो ये हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, a टाइम्स 10+1, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, 100+1-2। अब अगर मैं b के साथ फैक्टर बनाऊंगा, तो b के फैक्टर बन जाएंगे 10+1, और क्या आ जाएगा, 10-1। और c के साथ हमारे पास क्या है, 10+1 है ही है। अब चेक कीजिए, जब आप a-b c-d करते हैं, ठीक, तो आपके पास हमेशा ये a-b and c-d, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। यानी इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलवेज क्या होगा, क्लॉकवाइज लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो आपके पास यही नंबर बचा। अब आप चेक कीजिए, 10+1, 10+1 एंड 10+1, यानी कि 11 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, और ए के साथ अपने जो भी डिजिट बाकी रहे, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यूज को हम क्या लिख देंगे, 91। बी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 9, और सी, यानी ये कुछ भी आ जाए, बट आपके पास जो मल्टीपल है वो 11 आ गया,
तो इसीलिए आपका जो नंबर है वो ऑलवेज, अगर आप इस ट्रिक में या कैलकुलेटर के पैड में देखेंगे तो वो ऑलवेज डिविजिबल बाय क्या होगा, 11 होगा। थैंक यू, दिस इज फॉर यू, थैंक यू।